सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एक बार फिर से नए ब्लॉग, नए वीडियो और नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ देवभूमि उत्तराखंड की पावन धरती पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पिछले ब्लॉग में आपको जो पहाड़ी सफ़र का आनंद के साथ नया अनुभव कराया था, आज की वीडियो उससे आगे की है। आज हम सरोवर नगरी में आपको सरोवर क्रीड़ा का आनंद का अनुभव कराएंगे और यहाँ के बारे में जो भी हमें थोड़ा सा भी अनुभव और जानकारी है उसे आप लोगों तक शेयर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो जिन फ्रेंड्स ने पिछला ब्लॉग नहीं देखा है वो भी देख लीजिएगा और आज का ब्लॉग ठीक उससे आगे का है, तो प्लीज़ ब्लॉग पर बने रहिएगा और हमारे साथ इन यादगार पलों का आप भी आनंद लीजिएगा। फ्रेंड्स, मेरा थोड़ा सा ये ब्लॉग लेट आ रहा है। हम लोग गए थे दशहरे के दिन नैनीताल, तो यहाँ पे दशहरा ग्राउंड सज रहा है और यहाँ पे आज दशहरे का मेला भी लगना है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर रावण का पुतला बना हुआ है। तो नैनीताल में उस दिन भी काफ़ी ठंड थी, हम लोग स्वेटर नहीं ले गए थे, हम पतले घर के मतलब गर्मी के ही कपड़ों में गए हुए थे। पता नहीं चल रहा था, नीचे प्लेन में तो नहीं हो रही थी उतनी गर्मी। तो लेकिन जैसे जैसे हम पहाड़ चढ़ते गए हमें ठंड का अनुभव बढ़ते गया और हमें लगा कि हाँ, हमें एक स्वेटर हमने साथ ले आनी चाहिए थी। तो प्लीज़ आप लोग भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, नैनीताल में उस टाइम भी काफ़ी ठंड थी तो अब कितनी ठंड बढ़ गई होगी। तो प्लीज़ बिना गर्म कपड़ों के आप लोग नहीं आइएगा, ये आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है। और जैसे हम लोग गए हैं वैसे आप लोग मत जाइएगा, क्योंकि हमें उस दिन वहाँ पहुँचने के बाद काफ़ी ठंड लगी थी। तो यहाँ पे हम लोग सरोवर नगरी के किनारे पे पहुँच गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ के परिधान में महिलाएं जो बाहर से आई हुई हैं वो ड्रेस में यहाँ फ़ोटो खींच रही हैं अपनी। और आगे आगे जाके हम लोग देखे टिकट काउंटर में गए और वहाँ पे पता किया टिकट क्या है आजकल नाव में जो भ्रमण करवाते हैं, और यहाँ पे फ़ोटो ले रहे हैं। 5-10 मिनट में आपको आपकी यादगारी के लिए जो फ़ोटो खींचते हैं वो आपको मिल जाती है, वो बता रहे हैं वहाँ पर भैया हमें। और हमने भी फ़ोटो ली थी और जब तक हम सरोवर का भ्रमण करके वापस आए तब तक हमें फ़ोटो वहाँ पे मिल गई थी तैयार होके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अनेकों कैमरे वाले घूम रहे हैं और बाहर के जो भी सैलानी आए हुए हैं वो लोग फ़ोटो ले रहे हैं अपना। और ये है यहाँ का टिकट, आप जितने चक्कर लगाने चाहे, आधे चक्कर का पूरे चक्कर का रेट लिखा हुआ है। और यहाँ पे हम लोग नाव में बैठ के फिर फोटोग्राफी ले कर रहे थे, ये भैया फोटोग्राफर ही हैं, नाव सेट कर रहे हैं अभी, फिर इसमें हम बैठेंगे और फ़ोटो लेंगे, एक यादगारी रह जाती है। बाद में हम उस फोटो फ्रेम को फ्रेम भी करके अपने घरों में हमेशा के लिए यादें संजो के रख सकते हैं। वीडियो तो हम बनाते हैं, वो भी एक यादगारी बन के रह जाती है। तो हम लोग अपन नाव में सवार हो गए हैं। उस दिन हम ऐसे ही मार्केट जाने के लिए घर से निकले थे, लेकिन हम पहुंच गए नैनीताल तो बच्चे हमारे साथ नहीं थे। बच्चों से तो हम बोल के गए थे हम मार्केट जा रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं क्या सूझी, शायद नैना माँ ने दर्शन करने के लिए बुलाया होगा हमें। तो हम पहले दिन जैसे ही नवरात्रियाँ ख़त्म हुई, दूसरे दिन मार्केट के लिए हम निकले थे, थोड़ा टाइम था, तो शायद माता ने हमें बुलाया अचानक से और हम पहुंच गए। पिछले बार जितनी बार भी हम गए कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था कि हम मंदिर में दर्शन नहीं कर पाते थे, कुछ ना कुछ मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती थी कि ऐसा हो जाता था हम मंदिर तक पहुंच ही नहीं पाते थे। लेकिन आज हमें ऐसे बुलाया माँ ने
कि हम सीधे घर से निकले और सीधे माँ के दरबार में पहुँच गए। तो ये होता है बुलावा, जब आपको बुलावा आता है तो आप कैसे ना कैसे पहुँच ही जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लाइफ जैकेट भी दे रहे हैं भैया हमें, लेकिन हमें कुछ अच्छे नहीं लगे, वो पुराने से लग रहे थे वो लाइफ जैकेट, हमने पहने नहीं। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी आपको। तो उन्होंने हमें तसल्ली दी और हम बिना लाइफ जैकेट के ही भ्रमण कर रहे हैं अभी। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है नैनीताल के सरोवर नगरी का, और आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ से कितनी सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ और आसमान नीला और बादल बादलों से घिरा हुआ, कभी भी बरस सकते हैं यहाँ। बारिश बहुत जल्दी आ जाती है, बादल आते ही बारिश आ जाती है और धूप भी जल्दी निकल जाती है। तो बहुत सुंदर नज़ारा था, आप लोग भी आइए और यहाँ का आनंद लीजिएगा जो बाहर के लोग हैं। देख सकते हैं आप लोग कितना खूबसूरत नज़ारा है, इनको मैं शब्दों में बयां कर ही नहीं सकती कोई भी जो है। बस ये है कि आनंद जो हमें आ रहा था यहाँ आने के बाद, जो सुकून मिलता है वो सुकून शायद कहीं भी नहीं होगा। तो ये है हमारे देवभूमि उत्तराखंड की सरोवर नगरी की झलक, और आगे की वीडियो पे भी बने रहिएगा, हम आपको आगे की वीडियो भी दिखा रहे हैं। और आगे हम आगे की वीडियो में नैना माँ के दर्शन आपको कराएंगे। आज की वीडियो अगर लॉन्ग हो जाती है तो हम अगले वीडियो में पक्का आपको नैना माँ के दर्शन कराएंगे, और यहाँ के बारे में जो भी हमें जानकारी है वो आप लोगों के साथ फिर से शेयर करते रहेंगे। क्या उधर मेरा नैनीताल था दबू ताल ना बंटवारा है तुम्हार तल्ली ताल मल्ली ताल अल्ले इलाज उठे नहीं क्या? अच्छा इलाज उठे ही यार आता दे तल्ली के जला चाला नहीं चलो ही
तेरी
सरोवर नगरी में नाव किरणा का आनंद लेकर हम उतर गए हैं और हमारा राउंड ख़त्म हो गया है। अब दूसरे जो इनके पैसेंजर होते हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं और यहाँ पे हमारी जैसे ही हम आए हमारी फ़ोटो भी रेडी हो गई थी और ये हमेशा के लिए एक मेमोरी रह जाती है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे काफ़ी अच्छी फ़ोटो आई थी। 10 मिनट में आपको आप जैसे चाहो वैसी फ़ोटो आपको आपके हाथों में आ जाएगी। यहाँ पर फ़ोटो भी मैंने यहाँ पे छोटी सी क्लिप बना ली थी और ये हैं यहाँ के परिधान। जो कोई भी इन परिधानों में यहाँ की फ़ोटो खिंचवाना चाहिए अपने मेमोरी को हमेशा के लिए सेव कर सकते हैं।